नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। आज आप सबको पांच रंगों के कपड़े पहने देख बड़ा अचंभा हो रहा है। क्या आप मुझे भी बताओगे कि आप सब अलग अलग रंगों के गुट बनाकर क्यों बैठे हैं? दीदी, हम सब स्कूल में होने वाले एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। उसमें हम सब नेचर के 5 एलिमेंट्स बने हैं। अच्छा, यानी आप प्रकृति के पंच महाभूत बने हो। बहुत अच्छे। हाँ दीदी, नाटक में हर महाभूत वाला गुट अपने बारे में बताएगा और इन सब की जानकारी भी हम बच्चों को अपने आप ही इकट्ठी करनी है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम दिया है आपके अध्यापक ने। क्यों ना आज के सामान्य ज्ञान वर्ग में हम इन पंच महाभूत से जुड़ी ही कुछ बातें करें, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पंच महाभूत में सबसे प्रथम पृथ्वी से, जिसे हम भूमि या धरती माता भी कहते हैं। इस महाभूत के संतुलन में रहने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है और इसे हम आम तौर पर भूरे रंग से दर्शाते हैं। हमारी धरती माता हमें बहुत प्यार करती हैं और इन्हीं की कोख से जन्मे पेड़ पौधों के कारण हमें अन्न, वर्षा का स्वच्छ जल व सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिलती है। इसलिए धरती से उपजे अन्न को हम अन्न देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं और खाना खाने से पूर्व रोज हाथ जोड़कर उन्हें नमन कर सभी प्राणियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख व समृद्धि की कामना भी करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम खाने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलते हैं? हाँ दीदी, ये मंत्र तो हम सबको कंठस्थ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत अच्छे। चलो अब बात करते हैं पंच महाभूत के भूत जल की, जिसे आम तौर पर हम नीले रंग से दर्शाते हैं। जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जल को भी हम देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे अनेकों पर्व और त्योहारों पर हम नदियों व तालाबों में नहाते हैं, कुओं की पूजा करते हैं। नदियों को माता तुल्य माना जाता है। गंगा मैया का नाम तो आप सबने सुना होगा, है ना? हाँ दीदी, बिना पानी पिए तो हम भला कितनी ही देर रह पाएंगे, और गंगा मैया और दूसरी सभी नदियाँ हमें पीने योग्य शुद्ध पानी देती हैं, इसीलिए वे माता कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक। जब पृथ्वी पर वर्षा का जल पड़ता है तो पेड़ पौधे उगते हैं, जिनसे हमें खाने को फल व अन्न मिलता है। कई बार वर्षा का शुद्ध जल नदी नालों में बहकर यूं ही समुद्र में मिल जाता है। उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए हम नदियों पर बांध बांधते हैं, ताकि पानी को नए रास्ते या नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जा सके, जिनके कारण खेती सिर्फ नदी के किनारे ही नहीं बल्कि नदी से कई मीलों दूरी तक भी हो पाती है। अच्छा। हाँ, और इसी प्रकार वर्षा का जल तालाबों और कुओं में भी शुद्ध पानी फिर से भरता है। इन्हीं स्रोतों से हमारे घरों में पीने का पानी भी आता है। इसलिए पानी के प्राकृतिक स्रोतों को हमें कभी भी कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैली, बोतलें आदि कचरा डालकर गंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीने का स्वच्छ पानी हमें कहाँ से मिलेगा? और दूसरी बात यह कि हमें स्वच्छ पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इन शुद्ध जलों के स्रोतों से सरकार पानी लेकर इसे फिल्टर या साफ करके पीने योग्य बनाकर हमारे घरों के नलों तक पहुंचाती है। ये पानी व्यर्थ बहाने पर नालियों से बहकर यूं ही चले जाता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, आखिर पानी को साफ करने के लिए कितनी बिजली, ईंधन और संसाधन लगे होंगे ना? स्वच्छ पानी को बेमतलब बहाने से हम पानी के साथ साथ बाकी संसाधनों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक कहा ना दीदी? बिल्कुल ठीक कहा।
हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, परंतु अगर सब बच्चे आप लोगों की तरह जागरूक और समझदार हो जाएंगे तो फिर हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। आओ अब बात करते हैं तीसरे महाभूत वायु की। इस भूत को भी हम वायुदेव या पवन देव के नाम से पूछते हैं। वायु या हवा हमारे सब ओर पृथ्वी के हर स्थान पर है। ये भले ही हमें दिखाई नहीं देती, परंतु इसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। यही हमारी सांसों का आधार है। जब वायु हमारे शरीर के अंदर हमारी नासिका या नाक से जाती है, तो हमारे फेफड़े उससे ऑक्सीजन या प्राणवायु निकालकर पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे रक्त या खून का शुद्धिकरण हो पाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो सोचो, अगर हमारे शरीर में स्वच्छ हवा नहीं जाएगी तो भला हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसलिए ही तो हमें हमेशा स्वच्छ हवा में ही सांस लेनी चाहिए। सुबह की हवा सबसे स्वच्छ होती है, क्योंकि न सिर्फ रात भर वह चांद तारों की शीतलता से पवित्र होती है, बल्कि तब तक उसमें गाड़ियों, फैक्ट्रियों आदि के प्रदूषण भी नहीं घुले होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सवेरे की ताजी हवा में सैर और प्राणायाम करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जल की ही तरह वायु को भी स्वच्छ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। जब कचरे के ढेरों, रुकी गंदी नाली के पानी से उठती बदबू या फैक्ट्री और वाहनों से निकलते जहरीले धुएं से वायु दूषित होती है, तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसके कारण अनेकों बीमारियां फैलती हैं। ओ, इसी कारण शहरों में तो कितने ही लोग अपने घरों से निकलते ही मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं या मास्क पहन लेते हैं। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, कि जो चीज पृथ्वी पर सब जगह है, उसे भी मनुष्य ने इतना दूषित कर दिया है कि सांस लेने तक को शुद्ध हवा नहीं है। हम सबके इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। वायु तेज चल आंधी बन बड़े बड़े पेड़ मकान तक गिरा रही है। कहीं वर्षा इतनी है कि नदी नालों में बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखे से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी प्राणियों के जीवन के लिए जरूरी है कि प्रकृति के पंच महाभूतों का संतुलन न बिगड़े, लेकिन आधुनिकीकरण की दौड़ में और उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते हम सिर्फ पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। दीदी, बाकी के दो महाभूतों के बारे में भी बताइए ना। हाँ, बाकी बचे दो महाभूत हैं आकाश और अग्नि। आकाश को अंग्रेजी में ईथर या स्पेस भी कहते हैं। आकाश या ईथर प्रकृति के उस अलौकिक ऊर्जा की ओर इशारा करता है जो हम सबको जीवन देती है, जिसे हम ब्रह्म या आत्मा भी कहते हैं। और अग्नि वह पांचवा तत्व है जो बाकी चारों तत्वों को संतुलित कर उन्हें सक्रिय करती है। अग्नि की ऊष्मा या गर्मी ही पृथ्वी पर हमारे जीवन का आधार है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगर पृथ्वी पर या हमारे शरीर में अग्नि या ताप का संतुलन बिगड़ जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में अग्नि भोजन पचाती है और हमें शक्ति देती है। उसी प्रकार वातावरण की अग्नि पौधों को जीवित रखती है। और जब किन्हीं कारणों से ताप बढ़ जाता है तो जंगलों में आग लग जाती है। मूल रूप से हवा, पानी, भूमि की ही तरह अग्नि के असंतुलन से भी पर्यावरण बिगड़ जाता है। इसीलिए हम अग्नि को भी अग्निदेव कहकर पूजते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये पांचों महाभूत से मिलकर ही प्रकृति का संतुलन रहता है। हमारा शरीर भी इन्हीं से मिलकर बना है, और जब हम मरते हैं तब इन्हीं पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। समझे? हाँ, समझ गए हम पंच महाभूतों के बारे में। अच्छी बात है। और साथ ही आज के इस वर्ग से आपको कुछ सीख भी मिली कि नहीं? बिल्कुल मिली दीदी। हमने सीखा कि
कि हमें हवा, पानी और भूमि प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और प्रकृति के संसाधनों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिजली व स्वच्छ पानी की बचत करनी चाहिए। जितने की जरूरत हो उतने ही नए सामान खरीदने चाहिए, ताकि बिना बात फैक्ट्रियों में नए सामान बनाने के कारण बिजली पानी व्यर्थ न हो। हम ही पृथ्वी की नई पीढ़ी हैं, और अगर हम उपभोक्तावादी संस्कृति को छोड़ प्रदूषण न फैलाने का प्रण करेंगे तो हमारी पृथ्वी व शरीर के पंच महाभूत संतुलित रहेंगे और हम सब स्वस्थ रहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया सारांश किया आपने, शाबाश। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय मां भारती। जय मां भारती।